द न्यूज फ्लैशर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब व सलाम। इस वक्त हम जुड़ चुके हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो मड़वा वड़वन से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम मिस्टर रूफ लोन है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी और बाकी जो समस्याएं हैं, इनसे सभी जो वहाँ पे इश्यूज हैं इनसे उस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका न्यूज फ्लैशर में स्वागत है। शुक्रिया आपका। क्या इश्यूज जो है वहाँ पे आप जो मीडिया के सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इश्यूज हमारे हज़ारों हैं। अब मैं छोटे छोटे दो चार बड़े बड़े मोटे मोटे इश्यूज आपको बताऊंगा। पहले हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मड़वा वड़न में नहीं है। हमारा कश्मीर से कनेक्ट है, वही 6 महीने का रास्ता है। अब सुनने में आया कि दर्शन से रोड को काम चल रहा है, लेकिन इसको इतनी धीमी रफ्तार से काम चल रहा है। पिछले 9 साल से हम सुन रहे हैं कि दर्शन से आपको रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं। अब भी नहीं पता है कि उसको 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5। मैं चाहता हूँ कि इस रोड को फौरी तौर बनाया जाए, वार पुटिंग बेसिस पे काम। कंपनी जो है वो वहाँ पे काम कर रही है, PMGSY काम कर रही है, लेकिन बड़ी धीमी रफ्तार में काम कर रहा है। बहुत सारे हिंड्रेंसेज उसमें आते हैं, कभी इसमें जमीन का मसला आता है, कभी फॉरेस्ट का मसला आता है। ये सरकार टू सरकार, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इशू था, विद इन नो टाइम सॉल्व होके ये हल होना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ को भी 7-7, 8-8 साल लगते हैं। तो ये बड़ा हमें ये मुश्किलात है कि क्यों ये काम डिले इतने ज़्यादा होते हैं। अगर इस इलाके में आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को एक साथ कनेक्ट करना है, कि वार पुटिंग बेसिस पे काम करना चाहिए, और बहुत ही तेज़ी रफ्तार से जब काम होगा तभी जाके हम विद इन 1-2 ईयर्स कनेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं, जैसे मुझे लगता है इन 10 या 20 किलोमीटर को 9 या 10 साल बनने में लगे, हो सकता है और 20-30 किलोमीटर बनाने उनको 10 या 20 साल और लगेंगे। रोड बनता है तो कहाँ से कनेक्ट होगा, मतलब किस मड़वा से कहाँ पर? देखिए, ये दक्षिण टू हंजल टू मड़वा कनेक्ट होता है, और मड़वा फिर वड़न के साथ कनेक्ट है। ये पूरा मड़वा वड़न दक्षिण डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन कहां तक ये रोड फिर कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैं सरकार को यही बताना चाहता हूं कि अगर आप टनल की शक्ल में यहां छात्रु बोंडा टू मड़वा एक टनल बनाएंगे, या उधर वड़वन टू सुईद्रमन टू छतबल अनंतनाग एक टनल बनाएंगे, 7 या 8 किलोमीटर टनल है, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, 2000 करोड़ तक खर्चा आ सकता है, और ये मुकम्मल रास्ता है और बहुत ही कम। देखिए, अब ये अब दौर फास्ट है, 5G का जमाना है। अगर आज भी हमें वही रोड दोगे जिसमें एक दिन पूरा लगेगा तो अच्छी बात नहीं। अगर इस हमारी इस बेकसी को, हमारे इस गरीबी को, हमारे इस पसमानदी को अगर कंपनसेट करना चाहते हैं, इनको चाहे एक ऐसा रास्ता दे जो टनल की शक्ल में है, जो जिससे हम 1 घंटे में कश्मीर के साथ कनेक्ट हों, या आधे घंटे में किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट हों, ताकि एक यकसा तरह की इक्वल डेवलपमेंट शहरों और गाँवों में हो जाए। फिर दूसरी बात रही हेल्थ फैसिलिटी की, हॉस्पिटल वहाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अस्पताल बना, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल बना, बिल्डिंग बनी, बाकी जो निज़ाम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स अभी तक वहाँ पे नहीं है। परसों एक हमारी एक क्या वजह है अभी तक क्यों नहीं है, इससे पहले आपने कोई बातचीत करने की कोशिश की? 1000 बार हम जब भी वहाँ पे DC साहब आते हैं या कोई मंत्री संतरी आते हैं, हम हर बार इस बात को उठाते हैं। यहाँ आके भी हम बड़ी बार धरने भी हमने किए कि फौरी तौर वहाँ पे इस चीज़ को, वहाँ इक्विपमेंट्स लाए जाएँ, वहाँ डॉक्टर्स लाए जाएँ। इस बार हमारी एक खातून बीमार हो गई, एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं, ढूंढूरा तो पीड़ा जाता है एम्बुलेंस का, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ नहीं। वहाँ के गरीब को 10-15 हज़ार दे के कश्मीरिया जम्मू पेशेंट को पहुँचाना पड़ता है। ये इस दौर में भी ये मुसीबत वहाँ पे है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हल होगा, क्योंकि इन तक जो आला हुकाम है, इन तक तो आपके माध्यम से हमेशा बात पहुँचाते, खुद भी डेपुटेशन लेके हम वहाँ तक जाते हैं कि फौरी तौर वहाँ पर ये फैसिलिटी, इवन की सर्जरी वहाँ पर छोटी माइनर सर्जरी वहाँ पर नहीं होती, या हमारा जो डिलीवरी केस वहाँ पर हॉस्पिटल में हैंडल नहीं होते हैं, गोल्डन कार्ड वहाँ पर नहीं चल रहा है। इस दौर में भी गोल्डन कार्ड का डंडूरा पूरे हिंदुस्तान में पीटा जाता है, लेकिन मड़वा वड़वन का में लोगों के वहाँ के हॉस्पिटल में अभी तक भी गोल्डन कार्ड यूज़ नहीं है। तो अगर वो यूज़ करना पड़ता, हमें शहरों में आके उसका इस्तेमाल करना पड़ता, फिर ही हम उस चीज़ से फ़ायदा, अगर गोल्डन कार्ड से 20-30 हज़ार में फ़ायदा आ जाता है शहरों में आके, लेकिन ऊपर से जो हमारा खर्चा, किराया, डेरे का खर्चा, उससे बहुत ज़्यादा होता है और हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा उससे नहीं आया। अगर वो चीज़ वहाँ चलती, वहाँ फैसिलिटी होती, गरीब लोग भी बच जाते, गरीबों को भी उस पैसे का, गोल्डन कार्ड का फ़ायदा मिल जाता। तीसरी बात है टूरिज़्म, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर है वो टूरिज्म है, और पूरे जम्मू कश्मीर को अब प्रमोट किया जाता है टूरिज्म के लिहाज से, और हम चाहते हैं मड़ा वड़न को भी टूरिज्म के लिहाज से प्रमोट किया जाए। वड़वन को 1-2 सालों से थोड़ी बहुत प्रमोशन मिल रही है, लेकिन मड़वा में अभी तक कोई भी एकदम डिपार्टमेंट्स ने, हमारे DC साहब ने या जो भी आला हुकाम है उन्होंने नहीं उठाया।
आपको पता होगा मैं जो टनल की बात करता हूँ ना कि कश्मीर के साथ आप दर्दपुर छतबल टू वडवन कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको आधा घंटे का रास्ता है। आपको वडवन से अनंतनाग तक सिर्फ आधा घंटा लगेगा। पिछली बार कश्मीर में तकरीबन 4 करोड़ टूरिस्ट आए। क्या 4 करोड़ में 50 से 60 हज़ार 1 लाख टूरिस्ट मड़वावड़ा नहीं आएगा? क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से, जंगलों के लिहाज से, आबशारों के लिहाज से वो जम्मू प्रोविंस का सबसे खूबसूरत एरिया है। उस एरिया को प्रमोट करने की जरूरत है ताकि इंडस्ट्री जब वहां चलेगी वहां पर रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बच्चों को रोजगार मिलेगा। फिर वो बच्चे कभी कोई ड्रग्स की तरफ जाता है, कोई डिप्रेशन की तरफ और जाता है, कभी और कहीं अलग अलग काम में जाता है। लेकिन जब वहां टूरिज्म आएगा, लोग अपना रोजगार खुद कमाएंगे, घोड़े वाले कमाएंगे, दुकानदार कमाएंगे, टूरिस्ट गाइड कमाएंगे, होटल वाले कमाएंगे, होम स्टे वाले कमाएंगे, सब लोग कमाएंगे। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आपकी माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, फौरी तौर मड़वा को भी प्रमोट किया जाए ताकि वहां पे भी लोगों को रोजगार मिले, वहां पे भी लोग खुशहाली की जिंदगी गुजारें। फिर रही बात हेल्थ सेक्टर, इसकी एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत 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 वीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतना वीक एजुकेशन सिस्टम। वहां पे स्कूल भी हैं, टीचर भी हैं, तो इसमें मैंने बड़ी कोशिश की कि इस चीज़ को कैसे हल किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाएगी, देखिए पूरी निगरानी रखे स्कूलों में, अगर टीचर्स जाते हैं फिर भी आउटपुट उतना अच्छा क्यों नहीं निकलता है, तो इस अगर वो इसी तरह इसमें निगरानी रखे तो वो मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन सरकार को थोड़े इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि टनल की शक्ल में रास्ता बने, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, टूरिज्म मड़वा में प्रमोट हो जाए। ये सब चीज़ें जब हो जाएगी ऑटोमेटिकली गांव और शहरों की तरक्की बराबर हो जाएगी। हम भी देखिए पिछली बार मैंने आपको मुझे लगता है बाइट दी थी या एक धरना किया था मैंने जम्मू में कि आपने इसको पाडर को एसटी का दर्जा दे दिया। क्या मड़वा वाड़ा एसटी के दर्जे के लायक नहीं था? वहां पे कौन से पार्टर को फिर भी आपको 40-50 साल पहले रोड मिली है, लेकिन मड़वाड़ों को अभी तक रोड नहीं मिली है। क्या हमको डेवलप करने के लिए, हमको बराबरी तरक्की के लिए क्या एसटी का दर्जा नहीं देना चाहिए था? हमारे बच्चे कैसे कम, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे ट्यूशन हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं, यहाँ पे सब कुछ है। हमारे बच्चे कैसे कम्पीट कर पाएंगे शहरों के बच्चों के साथ अगर उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाए? हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सी रिजर्वेशन वहाँ पे दे ताकि हमारे बच्चे भी तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंचे और हम भी खुशहाली की जिंदगी गुजारें।